हरियाणा चुनाव का मैदान पूरी तरह गर्म हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री हरिमंदर साहब में नतमस्तक होने पहुंचे। उन्होंने श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व से संबंधित अखंड पाठ शुरू करवाया और गुरु घर में माथा टेक कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुखबीर बादल ने मीडिया के सामने हरियाणा में होने जा रहे चुनाव में इनेलो की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उनका 50 साल पुराना रिश्ता है और इन चुनावों में उनके गठजोड़ को पूर्ण बहुमत हासिल होगी। पहली गल है अकाली दल का तो हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल ने सो असी उत्थे जंग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र मतलब इंटरनली इन्हों की कोई अंडरस्टैंड नहीं पहुँच सकी तो देखते देखते कौन अगे जाता। मैनू जो लग रहा असी हरियाणा बारे मैं ज़्यादा कह सकता मैं जानता उत्थे क्लीयर मजोरिटी इंडियन नेशनल लोकदल तो अकाली दल की आऊगी। कहता कि असर अज तक नहीं है साढ़ा तो 50 साल तक गल वो असी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है बंदे डिसमिस करते हैं फड़ के अंदर कर देते हैं SSP सस्पेंड कर देता है। ये तो स्ट्रोंग एक्शन अज तक नहीं होना। असी जिन्ने बंदे असी डिसमिस किए पुलिस के अज तक मतलब हिस्ट्री है पंजाब च नहीं डिसमिस हुए। इंडिया 24 के लिए अमृतसर से बिक्रम सिंह की रिपोर्ट।